पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बारे में कहा, उनको आदत है आपस में लड़ाने की, ऐसे दोस्त से भगवान बचाए। गोविंद सिंह ने यह बात नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात के बाद कही। डॉक्टर गोविंद सिंह और लखन घनघोरिया नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके निवास पर पहुंचे थे। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और लखन घनघोरिया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। मिश्रा से मिलने के बाद गोविंद सिंह ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने आया था। डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुलाकात के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर चुटकी ली और कहा, गृह मंत्री की आदत है आपस में लड़ाने की, ऐसे दोस्त से भगवान बचाए। अब ये तो उनकी आदत है आपस में लड़ाने की, तो एक दूसरे को लड़ाई करवाए कांग्रेस पार्टी में, हमारी इमेज खराब हुई जी। ऐसे मित्र हैं, ऐसे मित्र से भगवान बचाए। डॉक्टर गोविंद सिंह को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की नरोत्तम मिश्रा कई बार वकालत कर चुके हैं। गोविंद सिंह ने कहा, भाजपा के लोग उतना बोलते हैं जितना संघ उन्हें सिखाता है। उन्होंने कहा, संघ बीजेपी नेताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देता है, जो ट्रेनिंग मिली है वही बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। यही तो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बचपन से सिखाया जाता है नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चार चार पाँच पाँच वर्ष के बच्चे बुलाकर उनको ब्रेन वॉश करने का काम किया था, झूठ बोलो। एक एक झूठ को 100 बार कहोगे तो लोग सच मान लेते हैं। जो हिटलर की वो था प्रचार मंत्री गोवेस, उसका कहना था कि एक झूठ को 1000 बार बोलिए तो सच लोग समझ लेते हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा इस प्रकार का ट्रेंड किया जाता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।